मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से मराठा जोड़ो अभियान शुरू हुआ है। मैं दो हफ्तों से हम लोग मुंबई से लेके कारा तक और मुंबई से लेके दहीसर तक मराठा जोड़ो अभियान हम लोग ने किया है। अब की बारी हम लोग नवी मुंबई में से शुरू कर रहे हैं और नवी मुंबई से लेके कलवा जाएंगे, कलवा से लेके नेरूर जाएंगे, नेरूर और इस पूरे विभाग में चप्पे चप्पे पे हमारी कॉर्नर सभाएँ होगी। वहाँ पे उधर के लोगों को हम लोग ये बात से अवगत कराएंगे कि मराठा समाज के आरक्षण में आज की तारीख में आज मराठा आरक्षण कहाँ पे, किस चीज़ों की वजह से मराठा आरक्षण रुका हुआ है, राज्य सरकार की आज तक की भूमिका उसमें हम लोग स्पष्ट करेंगे और राज्य सरकार ने किस तरह से मराठा समाज की इन मांगों को दरकिनार करके ये लोग मराठा समाज के आरक्षण के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मराठा समाज का तो जब स्टे मिली है उसके बाद से मराठा समाज के हितों के लिए ये राज्य सरकार ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिसके वजह से आज मराठा समाज के सारे युवक और लड़कियां जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे वो आज तक घर में बैठे हुए हैं। और ये कब एडमिशन मिलेंगे और ये कब स्कूल कॉलेज चालू होंगे इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी ये सरकार दे नहीं रही है। इसके वजह से पूरे राज्य में ये संभ्रम बना हुआ है कि इस साल एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, 11वीं का साल या 12वीं के बाद के एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में कोई भी सूचना सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है ना कोई चीज़ों का क्लैरिफिकेशन। ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी वो किस बारे में थी? मुंबई में हम लोग मराठा जोड़ो अभियान ले रहे हैं, कई दो हफ्तों में मराठा जोड़ो अभियान की तरफ से एक रैली निकाली जाती है जहाँ पे हम लोग हमारे विभाग में जो मराठा समाज के लोग रहते हैं उनको जाके मिल के उनको मराठा आरक्षण के परिस्थिति के बारे में अवगत कराते हैं और आज की तारीख में मराठा समाज किस लेवल पे है और आरक्षण में मराठा समाज की स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग उन लोगों को बताते हैं। तो सर ये रैली जो 22 तारीख को निकलने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए सर। अभी तक जो दो रैलियाँ निकली वो एक निकली मुंबई से लेके ठाणा तक, दूसरी निकली मुंबई से लेके दहीसर तक। ये चप्पे चप्पे में जाके हम लोग हमारे जो मराठा समाज के लोग इस रूट पे जा पे रहते हैं उन लोग को जाके उनको मिलते हैं उस जगह पर और उनको उनसे संबोधित करते हैं। अब की बारी जो निकल रही है वो वाशी में निकल रही है, नई मुंबई से लेके हम लोग कलवा तक जाएंगे और कलवा से लेके फिर नेरूर तक आके ये संडे का ये हमारा जो आंदोलन रहेगा वो वहाँ पे खत्म होगा। इस सब चीज़ों में इस आंदोलन में हम लोग हमारे लोगों को ये सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ है मराठा आरक्षण के लिए, हम लोग को आगे क्या करना है, कोर्ट में हम लोग को क्या करना है, रास्ते की लड़ाई कैसे लड़नी है और प्रशासन की लड़ाई कैसे लड़नी, इसके बारे में हम सारे लोगों को अवगत करके हम लोग आगे निकलते हैं। सर जैसे कि पिछली बार हमने जैसे देखा था कि आपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के उधर भी आंदोलन किया था, क्या आप फिर से वहाँ पे एक और बार आंदोलन कर सकते हो? नहीं, हर एक चीज़ वापस रिपीट तो नहीं होती। उस टाइप का जो आंदोलन था वो एक मशाल आंदोलन किया हो गया था, आप उसी समय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि 2 या 3 दिन में हम लोग बैठक लगाएंगे। आज 15 दिन हुआ कोई नतीजा नहीं निकला है, मुख्यमंत्री साहब कोई भी डिसीजन तक नहीं आए हैं, कोई भी उन्होंने उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं की है। इस तरह से मतलब एक कैजुअल एटीट्यूड जो रखा हुआ है मराठा आरक्षण के वजह से इसको ये लोग हवा दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ये जब आग बन के आएगी तो इसमें सारा चीज़ राख बन के निकल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। वीरेंद्र सर जी जिन्होंने मराठा आरक्षण के बारे में बोला और वही वहाँ पे बात करें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी बोला कि उद्धव ठाकरे जी का कैजुअल एटीट्यूड है, 10 से 15 दिन हो गए कि मराठा आरक्षण के बारे में कुछ किया ही नहीं है। वही दूसरी बार बात करें तो मराठा आरक्षण के बारे में बात करें तो मराठा आरक्षण जो कि 10th 11th बच्चों लोग हैं और उनके स्टडीज़ के लिए अब तक ना जॉब मिला है ना उनको कोई एजुकेशन के बारे में किधर एडमिशन मिला है, क्या उनको जॉब मिल पाएगी मराठा पीपल्स को, क्या एजुकेशन मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। यश डेटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी।